फॉलो द डिसिप्लिन। आप पढ़ना बैठना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आप लगातार 3-4 घंटे पढ़ सकते हैं। बीच में गैप आप अगर 5 घंटा पढ़ना बैठना तो बीच में हमारा शरीर गैप। आप जब जिम करना जाते हैं तो वहाँ कुछ देर के बाद रेस्ट लेते हैं कि नहीं, उसी तरह जब पढ़ने बैठते हैं तो लगातार 6-7 घंटा नहीं पढ़ सकते। हम सोचते हैं कि एक दिन में और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरा दिन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में उतनी क्वांटिटी नहीं कर पाती है। जब बैठेंगे तो किताब पढ़ सकते हैं, जहाँ 2-3 घंटा होगा मन उठ जाता है और पढ़ाई छोड़कर हम जाते हैं। इसके लिए बीच में आप जब भी पढ़े 1-2 घंटा बीच में एक रेस्ट ले ले, 1 घंटे के लिए रेस्ट ले ले, ताकि क्वांटिटी आप पढ़ने के लिए आप पढ़ रहे हैं तो बीच में 1 घंटा का रेस्ट जरूरी है। आप 2-3 घंटा पढ़ लिए तो बीच में 1 घंटा का रेस्ट आराम से ले सकते हैं। वह रेस्ट अपने दोस्तों के जाओ के साथ जाकर घूम खेल कर या किसी के साथ मनोरंजन करो, या न कि मोबाइल पर बिजी हो जाए। मोबाइल जब टाइम लॉस्ट उस समय पर आप जब मोबाइल चलाने तो सोचते थोड़ा फेसबुक चला लो, थोड़ा रुको, थोड़ा सा कैसे कि टाइम ही जरूर पता नहीं चलता है कि कब टाइम होते हैं। उस तरह दोस्तों के साथ या खुले घूम जाएंगे तो वातावरण की शुद्ध प्रकृति को आपको अलग करने की आप फ्रेश हो जाएंगे। कोई भी इंसान लगातार नहीं पढ़ सकता है। जब भी सोचेंगे कि आप लगातार पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ज़्यादा टाइम होगा तो किताब के मुंह पे वैसे सो गया, आलस बना जाता है। उसी ठीक है, उसी तरह पढ़ाई के लिए ज़्यादा बीच बीच में ब्रेक लेना ही चाहिए, ताकि जो हमारा मस्तिष्क है और चेतना नहीं जा सकती और मस्तिष्क को भी आपको भी रेस्ट मिल जाए। इसीलिए पढ़ने में बैठेगा तो आराम से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पाइप कट कर आप रेस्ट ले सकते हैं। आप जब भी ज्यादा देर तक पढ़ेंगे तो लेजी शरीर में लेजी हो जाती है। वो इस तरह के लिए आप थोड़ा सा फ्रेश होना भी जरूरी है। इसके लिए पढ़ाई जब बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी